नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, अतुल कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप यहां पर देख पा रहे हैं असील जो देसी ब्रीड है के फार्मिंग के बारे में आज हम लोग जानेंगे। इसकी फार्मिंग की शुरुआत जो फार्मर ने की वो काफ़ी शानदार तरीके से हुई। उन्होंने शौकिया तौर पर जो है दो जोड़े लेकर के आए थे लॉकडाउन के समय पर, और उन्होंने अपने लाकर इसको बाड़ी में रखा हुआ था। उसके बाद फिर इसका मल्टीप्लिकेशन उनको इतना अच्छा देखने को मिला, फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसके बिज़नेस को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने इसके बिज़नेस को बढ़ा करके काफ़ी बड़ा कर लिया है और इनका सेटअप जो है वो काफ़ी शानदार है। तो आज हम उन फार्मर से जानेंगे कि उनका सेटअप इन्होंने किस तरह से कर रहे हैं, मार्केटिंग कैसी चल रही है उनकी, और फार्मिंग के लिए उन्होंने क्या क्या इनको फीड में दे रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं थामेन कुमार चंद्राकर, ग्राम कचांदूर से, तहसील गुंडरदेही, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। और ये मेरा फार्म है गोपाल प्रेम असील फार्म, ग्राम कचांदूर। मैं शौकिया रूप से इसको आंध्रा बॉर्डर से कोंटा से लाया था, दो, एक मेल एक फीमेल, और लॉकडाउन के दौरान उसी को रखा था। तो ये बढ़ते बढ़ते अच्छा प्रोग्रेस किया, तो उसी को बिजनेस तौर पे आज कर रहा हूँ। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे कोई युवा है या फिर जो किसान भाई हैं इसकी फार्मिंग करना चाहते हैं, तो उनको आप बताइए कि चूजे कहाँ से लेकर के आए, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से तैयार किया जाए, और इसकी फीडिंग आप किस तरह से दे रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की मेडिसिन लगती है या नहीं लगती है, और इसके हेचरी सिस्टम के बारे में आप बता दीजिए। तो सबसे पहले आप बताइए सर, इसके लिए चूजे कहाँ से लेकर के आए किसान भाई? अगर किसी भाई को चाहिए जी तो हम लोग उपलब्ध करा देंगे चूजे, अंडे जैसे भी चाहिए, जिस उम्र के चाहिए हमारे पास उपलब्ध है, मिल जाएगी। और खाने में ये प्योर देसी मुर्गी है जी, इसको आप कुछ भी दे दो जी। हाँ, अच्छे सेहत के लिए आप बाजरा मक्का कुछ अच्छे फीड खिला सकते हैं, पर एकदम नेचुरल फीड खाने वाले हैं, घास फूस जो चाहे दे दो आप जी, सब खाते हैं ये। किसान भाई किस तरह से अपना खुद का फीड तैयार कर सकते हैं उसके बारे में बताइए, और इस फीड के लिए किस प्रकार से मैनेज कर रहे हैं? ये जैसे मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ पालक पपीता, इन लोग देसी मुर्गी हैं तो इन लोग सब कुछ खाते हैं, तो मैं इन लोगों को पपीते का पत्ता पालक पत्ता खिलाता हूँ जी। तो ये साइड में लगा, इससे क्या है उन लोगों खाने का बचत हो, फीड का बचत हो जाता है जी। हम कहीं से खरीद के खिलाते हैं, उसके बजाय इसको लगाओ, इसी को तोड़ के खिला दो, उनका पेट भर जाता है। उन लोग टॉनिक भी औषधि भी जी, दोनों मिल जाते हैं उन लोगों को, नेचुरल फीड, नेचुरल फीड एकदम हरा भरा, उसी के लिए लगा हुआ है पूरा। और छोटे रूप में कर सकते हैं आप, कहीं भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई फार्म की जरूरत नहीं है। फिर धीरे धीरे आप उसको व्यापार के रूप में करेंगे, फार्म बना सकते हैं आप, जैसे भी करना है कर सकते हैं। ये वाला छोटा सा स्ट्रक्चर जैसे हम देख पा रहे हैं सर, ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? ये ऐसी जुगाड़ वाला कहना चाहिए, छोटे छोटे लकड़ियों से जो गाँव में वेस्टेज रहता है उसी को, और कुछ जालियाँ सस्ती वाली लगा के इसको बनाया गया जी। कुछ बच्चों को रखने के लिए, कुछ सेलेक्टेड ब्रीड को रखने के लिए बनाया गया, ऐसे और आगे आगे बनते जाएगा, ये अभी शुरुआत हुआ है जी। ये इन लोगों को रहने का, रात को जैसे भाई सुरक्षित रहना पड़ता है, अभी तो दिन में खुला कर घूम रहे हैं जी, जी, जी। तो रात को सुरक्षा रख लिए, ये उन लोगों के खुला रूम है, उन लोगों का जिसमें अपने से खुद रहते हैं जी। इसकी रूम की साइज क्या है सर, उसके बारे में बताइए, इसकी साइज क्या है? ये रूम है 12x40 का जी। यहाँ कितने मुर्गियाँ आ जाएंगी? यहाँ तो अब मेरे पास जो है वो तो एक कोने में ही आ जाते हैं जी, 100 तो कम से 500 मुर्गियाँ आराम से इसमें आ सकते हैं जी, जी, जी। क्योंकि ये देसी मुर्गी है, प्योर देसी कहना चाहिए जी। ये असील है, असील आंध्रा का नस्ल कहते हैं ज़्यादातर, ये आंध्रा तमिलनाडु वगैरह वगैरह, अब तो छत्तीसगढ़ में बस्तर में से खास ये है जी। तो हमारे यहाँ कर रहे हैं इसको, और असील है ये और प्योर देसी है, तो ये कहीं भी रह लेते हैं, ऊपर कहीं भी रख लो जी। यहाँ हजारों मुर्गे आ सकते हैं, बस अभी फिलहाल जितना भी है आराम से रह लेते हैं। ये स्ट्रक्चर जैसे देख पा रहे हैं, क्या है, मुर्गियाँ ज़्यादातर ऊपर रहना पसंद करते हैं जी, जी। जमीन के बजाय ऊपर रहना पसंद, उन लोगों के बैठने के लिए ये बनाया गया है जी। और ये वाला स्ट्रक्चर सर, ये उन लोग अंडा देने के लिए, अंडा देने के लिए, अंडा देने के लिए, सहने के लिए, नेचुरल एकदम अपने हिसाब से इसको जुगाड़ में बना दिया गया है जी। और जैसे अंडे से चूजे बाहर आते हैं तब इसको खुद एकदम नेचुरल, इसके बाद इसको क्या हम लोग तो बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए ये बनाया गया है जी। बच्चों को थोड़ा सुरक्षित रखना पड़ता है कुछ दिनों तक, तो ये छोटा छोटा ऐसी
जुगाड़ में तो खड्डे बोरी का रूम बना दिया गया है, छोटा छोटा ये है, किसी के अंदर बच्चे लोगों को जैसा सुरक्षित रखने के लिए रख देते हैं। इसमें लाइट का उपयोग कर रहे हैं? हाँ, लाइट लगा हुआ है, जैसा अभी बच्चे कुछ नहीं खाली है तो ये ऐसी है, जब बच्चे लाइट लगा हुआ है लाइट जला देते हैं इसमें। अरे अपने खुद अंडा दे के खुद दे रही है मुर्गियाँ, पास ले आओ, ये अंडा दे रही है, ये असील है, असील मुर्गियाँ हैं। जी जी, ये मादा है, मादी है, और जो होते हैं उनके गले और पूंछ अलग होते हैं। हाँ, वो तो अलग ही होते हैं, मादियाँ सेती है अंडा। तो अभी आपको जो 2 साल का इतना लंबा सफर है आपका, इसमें किसी प्रकार को आपको मेडिसिन की जरूरत महसूस हुई आपको इसमें? हाँ बिल्कुल, इसमें रहता है कोई भी मुर्गी पालन को मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, जैसे हमारे यहाँ जैसे अंडे नेचुरल निकलते हैं तो फिर 7 दिन में हम लोग इसको F1 करते हैं जी, स्टार्टिंग करके होता है, F1 करके आता है जी, इसको करते हैं, फिर 14 दिनों में होता है लसोटा, फिर गम्भोरो, इस तरह इनका रहता है, सुडल रहता है जी। वैक्सीन करना जरूरी है, जैसे हमारे बच्चों में टीकाकरण होता है उसी तरह इनको भी टीकाकरण की जरूरत पड़ता है जी। अच्छे स्वास्थ्य के लिए इनको, इनका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए टीकाकरण बहुत जरूरी है। यहाँ देखभाल के लिए है जी। ये जगह क्या है, गांव से थोड़ा बाहर है, खेत के नज़दीक है जी। तो कोई जानवर ना ये करे करके इसको देखभाल के लिए है जी। ये जगह ऐसा है कि मैं मल्टीपर्पज करना चाहिए, हर काम के उपयोग के नाम से इसको किया हूँ, कि किसमें बाड़ी भी, थोड़ा मछली पालन भी जी जी जी। तो अपनी मछली पालन तरफ भी चलेंगे सर। हाँ, तो ये बाउंड्री वाला अपने पूरा कराया हुआ है। हाँ, उसकी फेंसिंग की जरूरत पड़ी सर, वहाँ तक मतलब ये जंप करके चले जाते हैं क्या? हाँ, ये नहीं जाते, बस कोई जानवर बाहर से ना आ सके। मैं तो पानी के उपयोग के लिए कुआं बनाया गया है जी, जो छोटा सा छत्तीसगढ़ी में डबरा बोलना चाहिए, उसमें मछली भी है, उसी पानी आवागमन, इसमें का पानी उसमें, फिर वही पानी फिल्टर होकर फिर कुएं में, फिर कुएं के पानी उसमें, इसी तरह चलते रहता है। इसमें अभी कौन कौन सी मछलियाँ आपने डाली? ये मछलियाँ ऐसी हैं, देसी मछलियाँ, कुछ ऐसे ही डाल दिया गया है ये जी। ऐसी है, कुआं का सफाई करना चाहिए उसी के रूप में जी। एक मेल है बेचारा, अकेला ना रहता है। इसमें एक ही बदक है, तो इसमें आपने कितने बदक ला करके रखे थे? ये मैं 2 लाया था वैसे तो जी जी, और आते ही कुछ कारणवश फीमेल जो है वो तो डेथ हो गया, उसका मर गई, तो अभी है एक ही लाने का है, एक साथी बाद में इसको बढ़ाएंगे बाद में, बिल्कुल इसको बढ़ाएंगे। ये भी अच्छा है, अच्छा प्रजाति है, तो गीज बोलते हैं वैसे जी, गीज जो वैसे नाम राजहंस बोलते हैं इसको जी। हाँ, राजहंस बोलते हैं, गीज है गीज जी। और इसी में मछली पालन हो रहा है, छोटा सा है, तो मछली भी है और साथ में बदक भी। हाँ, इनके लिए घूमने के लिए जी ये जगह, इसके लिए स्ट्रक्चर कहीं पर तैयार करेंगे सर अभी? हाँ, इसके लिए तो अगर इसको बड़े पैमाने में करना है जी, तो बिल्कुल इसको छोटा सा रूम दे दो जी, तो कहीं भी रह लेते हैं लोग भी, रात दिन वो पानी में रहते हैं, कोई इसको कुछ जगह की जरूरत, साथ में कहीं भी छोड़ दो, मुर्गियों के साथ रहते हैं, इसको कोई जरूरत नहीं है, एकदम फ्री में रहने वाले हैं। जो आप कुछ कहना चाहेंगे सामने किसान भाई जो इससे फार्मिंग करना चाहते हैं या फिर? बिल्कुल, जिस तरह अभी क्या है हालात बनी हुई है, काम धंधे थोड़ा ठीक से नहीं चल रहे, तो उसके लिए आप इसको साइड बिजनेस के तौर पे जी, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, रोजी मजदूरी कुछ भी कर रहे हैं जी, तो आप इसको 2-4 रख के बिल्कुल साइड में, घर में तो छोटे छोटे जगह रहता ही है जी, किसी भी कोने में रख दीजिए इसको, इसको कोई जरूरत नहीं है, एक पेड़ भी है घर में तो उसमें रह लेते हैं लोग, इसको कोई जरूरत नहीं जगह की, लोग कहीं भी रहते हैं, बस देखभाल ये है कि किसी चीज से इसको नुकसान ना हो जी, यही बस है, बाकी कोई जरूरत, एकदम प्योर देसी मुर्गी, बहुत अच्छे नस्ल, देखने में भी प्यारे हैं जी, बहुत अच्छे, कोई भी कर सकते हैं इसको जी। साथियों, उम्मीद करता हूँ हमारी यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो में साथियों हम काफी सारी चीजें सीख पाए, यहाँ पर इंटरक्रॉपिंग किया जा रहा है, सर के द्वारा जो है वो बिजनेस एक छोटे रूप में शुरू किया गया था और वह काफी फैला गया है और उसमें काफी प्रॉफिट भी है, यदि आपके तरफ जो मार्केटिंग काफी अच्छा होने पर, इसको लोग शौक के तरह भी खरीदते हैं और खाने में भी यूज़ करते हैं, तो अगर मार्केटिंग अवेलेबल है तो इसकी मार्केट प्राइस भी काफ़ी अच्छी है, इस तरह से आप बिजनेस खुद का शुरू कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।